आज फिर एक बिहार के दरभंगा जिला से शराब से जुड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। मैं हूं जगजीत, आप देख रहे हैं भारत उदय समाचार। आपको बता दें कि दरभंगा जिला के दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार छापेमारी कर शराब के तस्करों को और शराब को जब्त किया जा रहा है। खासकर आपको बता दें कि लगातार लहरिया सदर थाना अध्यक्ष चेचन सिंह की अध्यक्षता में लगातार छापेमारी चल रही है और सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो दृश्य है, इससे पहले भी मैंने लगातार ये खबर दिखाई है कि लगातार लहरिया सदर थाना में लहरिया थाना अंतर्गत शराब तस्कर और शराब जो है जब्त किया जाता है। पूरा मामला आपको बता दें, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में लगातार नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्टों में ये एक है कि शराबबंदी लागू करना है और गरीब लोगों को उनका हक दिलाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि लोगों को तो हक तो मिल गया, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था शराब पीने के बाद, जो उनके पति उनके परिवार के जो लोग करते थे, खासकर आसपास के लोगों का जीना माहौल था, क्योंकि शराब पीकर जो है जो यहाँ पर शराबी जो है आकर खासकर गली मोहल्लों में ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते थे। लेकिन आज के डेट में ये नहीं देखा जाता है कि हल्ला गुल्ला, लेकिन एक चिंता का विषय है ये है कि इतना बड़ा खेप लगातार पकड़ा जाता है, ट्रक में छापेमारी, घर में छापेमारी, लेकिन फिर भी शराब आता कहाँ से, ये बड़ा चिंता का विषय है। आपको बता दें कि लहरिया सदर थाना क्षेत्र के मौलागंज मोहल्ले में एक नवनिर्मित मकान से 337 बोतल विदेशी शराब के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया गया। लहरिया सदर थाना अध्यक्ष ने बताया है, जो वो आगे हम आपको इंटरव्यू में दिखाएंगे। सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर लहरिया सदर थाना अध्यक्ष चेचन सिंह बैठे हुए हैं, उनके साथ सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो तस्कर है वो पीछे खड़ा है। खासकर बड़ी एक कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि 337 बोतल शराब जो यहां पर विदेशी शराब बाहर से आया होगा। अब पूरा मामला जानते हैं चंद सिंह से, देखिए पूरा खबर। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मौलागंज में परमा महतो के घर पर शराब की खेप आई हुई है। इस सूचना के आधार पर नरिया सराय पुलिस टीम के द्वारा छापमारी करके दो व्यक्ति सोनू महतो और एक हो गया बिपिन, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और एक परमान महतो भागने में सफल हुआ। फिर कितना शराब बरामद की गई? शराब है 327 बोतल टोटल में बरामद हुआ है, एजेंसी लहरिया सर। कब छापेमारी की गई सर? ये शराब आज 10 बजे के लगभग छापेमारी की गई। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या, कुछ पता चल रहा है? नहीं, सोनू कुमार, बिपिंदर और परमा महतो का ही नाम इसमें आया है और अन्य जो भी पता लगाया जा रहा है, अन्य किनकी संलिप्तता है, कहां से आया और किनको देना था, क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को जेल भेजा जाएगा, अन्य पुलिस अपना जाएगा।